ठीक है। मेन रोड में मंगलवार को हुए बवाल पर जेएमएम नेता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि पुलिस की मुश्तैदी से बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सुप्रिया भट्टाचार्य से बात की सहयोगी राकेश ने। साजिश की आग में शुक्रवार की शाम तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा राजधानी जलती रही, सड़कों पर तांडव होता रहा। सवाल ये कि इसके पीछे कौन और साजिशकर्ता कौन है, इन्हीं चंद सवालों को लेकर हम पहुंचे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के पास। हम दादा से ही समझना चाहेंगे कि दादा, देश में जिस तरह के हालात हैं उस हालात से अब झारखंड भी अछूता नहीं रहा। दादा, अंदेशा था कि इस तरह की चीजें होंगी? देखिए, अंदेशा तो नहीं था, लेकिन अप्रत्याशित भाव से ये तो घटित हो गई, क्योंकि हम लोग देख रहे इधर कुछ दिनों से जिस तरह से बदजुबानी हो रही है, खासकर एक विशेष जो लोग हैं, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा दूसरे कौम के प्रति, दूसरे पंथ के प्रति, ये निश्चित तौर पे बहुत ही खतरनाक स्टेज में हम लोगों को लेके चल गया। देश में बहुत सारे बुनियादी इश्यूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अन्य तरह की और भी समस्याएं हैं, पूरी तरह से उससे ध्यान भटकाने के लिए धर्म को नशा के तौर पर सामने रखा जा रहा है, बार बार चीजों को अनियंत्रित होने दिया जा रहा है। जो बड़े लोग हैं वो इस पर कुछ बोलते नहीं हैं, जो इतना तक कि बड़े लोग, ये भी कहना मेरा, धैर्य के साथ चीजों को लेना पड़ेगा। धैर्य जहां खोएंगे तो इस तरह की वारदातें होंगी। और इसके पीछे देखिए ना, कौन एज ग्रुप है, जो इमैच्योर है, आप इसको किसी भी तरह से बहका सकते हो, और इसका रिपार्केशन क्या होगा, उसकी पूरी जिंदगी चौपट हो जाएगी। कल क्या हुआ रांची में, 2 घंटे का बवाल हुआ, कई वाहन टूट गए, कई लोग घायल हो गए, कुछ लोगों की मौत भी हुई। फायदा किसका हुआ? फायदा उन अराजक तत्वों को हुआ जो ये सिचुएशन करना चाहते थे। विपक्ष तो कह रहा है, आप पे आरोप लगा रहा है आपकी सरकार पर, कि आपकी सरकार पूरी तरीके से फेलियर रही, आपका जो इंटेलिजेंस है वो पूरी तरीके से फेलियर रहा, इतनी बड़ी साजिश हुई और सरकार को इसकी खबर तक नहीं लगी। तो इस तरह से जो प्रशासन और जो सरकार की जो दृढ़ निश्चय है, हमको लगता है ये असाधारण है। और 24 घंटे के अंदर पूरा समाज रांची अब फिर से नॉर्मल हो गया, यही यहाँ की उपलब्धि है और यही यहाँ की खूबसूरती भी, यही खूबसूरती है। लेकिन विपक्ष का जो आरोप है वो कह रहे हैं कि भाई आपसे चूक हो गई, आपके प्रशासन से चूक हो गई, सरकार से चूक हो गई, आपके जो इंटेलिजेंस है उन तक ये बातें नहीं पहुंच पाई और ये पूरी जो साजिश हुई और सरकार चुपचाप खामोशी से चीजों को देखती रही। खामोशी यदि होता तो इतना फायरिंग होता है क्या? हम तो नहीं सुने आज तक कि इतना जबरदस्त कल हवाई फायरिंग हुआ, प्रिवेंटिव फायर हुआ, इतना जबरदस्त लोगों को कड़े हाथों से उन पर कार्रवाई हुई। लेकिन ये एलिमेंट्स जो है इन पर हमको ध्यान देना पड़ेगा और सबको ध्यान देना पड़ेगा। आखिरी सवाल कि लगभग 24 घंटे होने को है लेकिन अभी तक आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो देरी क्यों हो रही है? क्या आप आइडेंटिफाई पुलिस आपकी नहीं कर पा रही है? नहीं, आरोपी का गिरफ्तारी होने का एक प्रोसेस है। आप कह रहे थे कि कार्रवाई पुलिस अपने स्तर से कर रही है और कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन लोगों को भी धैर्य रखना होगा और दोनों कौम के लोगों को धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये जो रांची है ये सबों की है और इसकी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए हर किसी को आगे आना होगा। कैमरामैन राजा के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।